वाह देवी माता की सदाई जय। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी मैं बिल्कुल वाह देवी माता के गेट के सामने है। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने माता के चरणों से की, गेट के बिल्कुल सामने हूँ मैं। तो आए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। वाह देवी माता मंदिर बिल्कुल रोड से, ये देखें ये रोड का व्यू है। तो ले चलते हैं माता के मंदिर तक आपको। हाइट मेरी छोटी है, मेरे से माता की घंटी नहीं बज रही थी तो मैंने उछल कर यहाँ जय माता दी की। तो दोस्तों चलो अब आपको मैं मंदिर तक ले चलती हूँ। ये पैड़ियाँ सीधी मंदिर जाती है। आपको बता दूँ ये वीडियो करवा चौथ की है। दोस्तों मैं बीच में एडिट नहीं कर पाई वीडियो को, मैं थोड़ी बिजी हो गई और इस करके मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई, समय नहीं लगा। तो मैं आज 4-5 दिन के बाद ये वीडियो एडिट कर रही हूँ और आज इस वीडियो को डालूँगी। तो आप सभी ज़रूर देखें इस वीडियो को, ये करवा चौथ की है। तो देखें दोस्तों मैं आपको मंदिर तक लेके जाऊंगी। ये बिल्कुल सीधा माता के मंदिर जाती है पौड़ियाँ। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। तो दोस्तों अब ऊपर पहुंच चुकी हूं बिल्कुल मंदिर के पास में ही। तो यहां मैं प्रसाद लूंगी मंदिर के लिए। तो आपको मैं सभी को मंदिर तक ले जाऊंगी और यहां मैंने प्रसाद लिया माता के लिए चढ़ाने के लिए। ये शॉप है, बिल्कुल साथ में ही है मंदिर के, बिल्कुल फर्स्टी में है ये। आप भी यहाँ पर ज़रूर प्रसाद लें और फिर यहाँ से हम मंदिर की तरफ चल दिए। और देखें दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी व्रत वाले दिन। सभी भाई बहन बुजुर्ग बच्चे सभी देखने को। सभी के लिए छोटी सी कोशिश कि आप सभी को भी मैं दर्शन करा पाऊँ।
वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जितना मेरे से हो पाया मैंने आप सभी को दिखाया। ये नीचे पंडाल में बैठे हैं लोग, यहाँ पर जगराता था वहाँ देवी माता के मंदिर में। और यहाँ ये देखें, बहुत ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों। मैं आप सभी को यहाँ पर कोशिश करूँगी महामाई के दर्शन कराने की। और ये देखें, महामाई बिल्कुल सामने बैठी है और सभी को महामाई आशीर्वाद दे रही है और सभी के मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आप भी आना चाहें तो ज़रूर आए। मैंने आपको नीचे सड़क से पूरी वीडियो दिखाई है कि किस तरह से पौड़ियों से चढ़ना है, कौन सा व्यू है और कहां पर गेट है, वहां से सीधे आप मंदिर तक आ सकते हैं और महामाई का आशीर्वाद आप ज़रूर लें। तो दोस्तों, यही है महामाई का। तो जितना गुणगान करें वो सब कम है दोस्तों। और आप आशीर्वाद लें, दर्शन करें जितना मेरे से हो पाया, क्योंकि रश था सामने से। मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं थोड़ी साइड में थी तो पूरी अच्छी तरह से नहीं दिख रही होगी आपको महामाई के दर्शन। फिर भी कोशिश करें दोस्तों आप सभी के लिए। ये देखें, अभी तो थोड़ा सा दिख ही गया है महामाई। ये देखिए, महामाई के चरणों में आशीर्वाद ने अपने अपने महामाई से जो भी मांगना चाहते हैं जरूर मांगे। महामाई आपकी मनोकामना महामाई वैसे ही दर्शन मंदिर में होते हैं, वैसे ही मेरे वीडियो के माध्यम से आप जरूर दर्शन करें। पीछे भीड़ भी तो लगी हुई है, ये देखें, सभी ने दर्शन करना है। तो मैं आपको थोड़े से बाहर का व्यू दिखा दूं। ये देखें, बाहर का व्यू इस तरह से है। बिल्कुल आराम से मैं आप सभी को पूरा व्यू दिखाऊंगी दोस्तों। आप जय माता दी ज़रूर लिखें दोस्तों, महामाई आप सबकी मनोकामना पूरी करेगी। तो ये देखें, ये मैं बाहर से दिखा रही हूँ, मंदिर के बाहर का व्यू है इस तरह से। मेरे वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें। महामाई के मंदिर में हूँ इस समय, तो आप ज़रूर दर्शन करें और ज़रूर यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा देखें। जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, मेरी वीडियो के माध्यम से दर्शन कर पा रहे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप पूरी वीडियो देखें, जो नज़दीके है वो भी देखें। महामाई के तो जितनी बार हम दर्शन करें उतना बहुत कम है दोस्तों। चाहे आप रोज़ दर्शन करो, रोज़ महामाई के चरणों में जाओ, महामाई को हमें कितने प्यारे होते हैं ये तो महामाई भी जानती है और हम भी जानते हैं। तो हाजिरी ज़रूर लगाएं महामाई के चरणों में जय माता दी बोलकर। तो ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल मैं घूमकर वहीं पर आ गई हूँ, किस तरह से रश।
Thank you.
यहाँ पर काफी समय हो गया है तो अब हम चल पड़ेंगे घर को। माता के मंदिर से घर आकर पूजा करी, उसके बाद शाम को दोस्तों चांद देखकर मैंने अपने चांद को देखा और अपना व्रत खोला। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री गणेश, जय माता दी, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।